सब अपने अपने वीडियो ऑन करो, रोज बोलना पड़ता है हमको 10 मिनट। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग सर। हेलो, लगभग सब लोग ज्वाइन जितना लोग कर दिए। मेटल्स नॉन मेटल्स कहाँ तक हुआ था? क्या है कुछ सर? हम लोग रिएक्शन पढ़ रहे थे। रिएक्टिविटी सीरीज फिर से बोलो सर। हम लोग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ रहे थे। हाँ, उसमें रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स बता दिए थे ना? यस सर। ओके, अब हम लोग को पढ़ना है आगे नोबल मेटल्स। बुक है सबके पास सर? नोबल मेटल से पढ़ना। हाँ, बुक है सबके पास? yes, अभी जो बैठे हैं सब लोग बुक लेके बैठे हैं? यस सर। है आधे से अधिक लोग नहीं लिए होंगे। मेरा सिर्फ यस सर लिए। सर आप उस दिन ग्रुप में एक रिएक्शन दिए थे। हाँ, क्वेश्चन दिए थे कि कॉपर सल्फेट में, सॉरी कैल्शियम सल्फेट में, कैल्शियम सल्फेट ही था ना, जिंक डालेंगे तो क्या होगा? यस सर। तो दो तीन लोग का आंसर आया था तो गलत था। वो लोग कैल्शियम सल्फेट नहीं समझ के कॉपर सल्फेट बना दिए। तो कॉपर सल्फेट तो है नहीं वो, है ना? तो एक एक बच्चे का, किसी का आया था, नाम नहीं याद आ रहा है, उसका सही आया था। अच्छा, आप ही बता दो ऑनलाइन की क्या आंसर होगा। रिएक्शन होगा ही नहीं। होगा ही नहीं। पहले अपना नाम बोलो और उसके बाद आंसर बताओ। अनुष्का। हाँ बोलो। रिएक्शन होगा ही नहीं क्योंकि कैल्शियम जो है जिंक से ज्यादा रिएक्टिव है, सो जिंक कैल्शियम को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा, दैट वाई रिएक्शन नहीं होगा। वेरी गुड। और किसी का इससे कुछ अलग आंसर है? नहीं है अगर समझ में आ रहा है जिनको? नहीं सर, यही आंसर है। हाँ, कैल्शियम सर ज्यादा स्ट्रांग है उससे। यहाँ पे एक बार और देख लो जिनको क्लियर नहीं हुआ हो। ये है कैल्शियम हमारा और ये है जिंक। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का कंडीशन क्या है? हाँ, कंडीशन है कि जिंक जो मेटल ज्यादा रिएक्टिव होगा कंपाउंड वाले मेटल से, तब वो डिस्प्लेस करेगा। तो हमारा कैल्शियम सल्फेट था ना क्वेश्चन में, तो कैल्शियम सल्फेट CaSO4 हो गया, और इसको रिएक्शन कराना है किसके साथ? तो जिंक के साथ। तो अब जिंक अगर कैल्शियम से ज्यादा ताकतवर होता, ज्यादा रिएक्टिव होता, तब डिस्प्लेस करता, लेकिन ये तो कम रिएक्टिव है, नीचे दिख रहा है ना रिएक्टिविटी सीरीज में, इसलिए रिएक्शन नहीं हो पाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे मान लो कि आपको एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, एक क्वेश्चन और बता देते हैं कि कॉपर है, ठीक है, अब इसको सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन कराते हैं, H2SO4, और कैसा एसिड लेते हैं हम लोग? कंसेंट्रेटेड या डाइल्यूटेड? डाइल्यूटेड लेते हैं। तो डाइल्यूटेड एसिड ले लिए, अब बताइए कि क्या प्रोडक्ट बनेगा? U+H2SO4 डाइल्यूटेड लिए हुए हैं, क्या प्रोडक्ट बनेगा? कॉपर सल्फेट प्लस H2। कॉपर सल्फेट प्लस H2। अनुष्का बोलिए ना, और कोई बोलो, और किसी का कोई आंसर? CuSO4 प्लस H2O। H2O, H2O, चलो तुम्हारा भी मान लेते हैं भाई H2O। और कोई? दो आंसर आया, एक आया CuSO4 प्लस H2, एक आया CuSO4 प्लस H2O। और किसी का कोई आंसर?
एनीबॉडी? फिर से क्वेश्चन बोले, नहीं समझ में आ रहा है। कॉपर का टुकड़ा ले लिए, कॉपर के मान लो वायर ही ले लिए, और उसको डाइल्यूटेड सल्फ्यूरिक एसिड में डाल दिए, रिएक्शन हुआ, क्या बनेगा? पहला आंसर आया कि सॉल्ट बनेगा कॉपर का, यानी CuSO4 बन गया और H2 हाइड्रोजन गैस बन गया। दूसरा आंसर आया CuSO4 बन गया और H2O बन गया। अच्छा चलो ये बताओ, कुछ लोग तो बता सकते हैं कि इसमें से कौन सा आंसर सही होना चाहिए, ऊपर वाला या नीचे वाला, मतलब H2O वाला कि H2 वाला कि H2O वाला? H2। तो ज्यादातर लोग जो हैं वो H2 के फेवर में हैं। तो मोस्टली लोग बोल रहे हैं कि CuSO4 और प्लस H2 बनेगा। और यहाँ पे हम लोग एसिड कैसा लिए हैं? डाइल्यूटेड। ओके, जो कि हम लोग का दिया भी है इसमें, जो अभी हम लोग रिएक्शन पढ़े केमिकल प्रॉपर्टीज। लेकिन आपको बता देते हैं कि दिस इज रॉन्ग। और तो बोले तो H2O वाला सही होगा, नहीं वो भी रॉन्ग है। अब कैसे रॉन्ग है, तो आप यहाँ पे ध्यान दो, ये इस पोर्शन पे ध्यान दो। ओके, यहाँ पे पॉइंटर दिख रहा होगा माउस का ना, हाइड्रोजन और कॉपर ये दो है लगातार। हाइड्रोजन क्या है, मेटल कि नॉन मेटल? नॉन मेटल, लेकिन फिर भी इसको मेटल के रिएक्टिविटी सीरीज में जगह इसीलिए दिया गया है कि जो एसिड का रिएक्शन होता है मेटल के साथ वो हम बता सके कि रिएक्शन होगा या नहीं होगा, होगा तो क्या होगा। तो आप देख रहे हो यहाँ पे कि कॉपर जो है हाइड्रोजन से नीचे है, यानी कि उससे कम रिएक्टिव है। तो कम रिएक्टिव है तो कॉपर जो है सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, यानी इसको तो डिस्प्लेस किसको करना है, ये भी एक्चुअली डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ही है, इसको डिस्प्लेस करना है हाइड्रोजन को। तो हाइड्रोजन से तो ये कम रिएक्टिव है तो रिएक्शन होगा ही नहीं। तो आंसर इज नो रिएक्शन। क्या होगा ये आंसर? नहीं, नो रिएक्शन। यहाँ हो जाएगा नो रिएक्शन, ठीक है। लेकिन अब एक चीज और बता देते हैं कि आपका ये पहले वाला में जाएगा नहीं जाएगा, सब क्लियर कर देते हैं। तो हम लोग लिखे थे पहले Cu+H2SO4 क्या हो, अच्छा H2SO4 कैसा लिए हम लोग, डाइल्यूटेड। तो आपका रिजल्ट क्या आया, नो रिएक्शन। लेकिन ऐसा नहीं है कि कॉपर जो है वो रिएक्शन करेगा ही नहीं, जैसे ये तो जनरली हो गया कि अब इसमें हाइड्रोजन से नीचे आपको जो भी दिख रहा है ये जितना हाइड्रोजन से नीचे हम लोग का, ये जो मेटल्स दिख रहे हैं मरकरी हो गया, कॉपर हो गया, सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, और एक प्लैटिनम सबसे लास्ट में होता है PT, वो छूटा हुआ है। तो ये जो पांचों आपको मेटल्स दिख रहे हैं या और भी हो सकते हैं, तो ये एसिड के साथ रिएक्शन नहीं करेंगे। इसीलिए हम लोग जो गहने पहनते हैं गोल्ड के या सिल्वर के या प्लैटिनम के, तो एसिड का भी यानी एसिड रेन का भी उस पर असर नहीं होता है। लेकिन कॉपर और लेड, ध्यान दोगे कि कॉपर और लेड, एक लेड यहाँ पे है और एक कॉपर यहाँ पे, तो कॉपर और लेड जो दो ऐसे मेटल हैं जो कि आपको क्या बोलते हैं, डाइल्यूटेड के साथ तो रिएक्शन नहीं करते हैं लेकिन कंसेंट्रेटेड के साथ करते हैं। कंसेंट्रेटेड बताए थे ना एसिड कैसा होता है, सुनाई दे रहा है? Yes, sir. तो आप देखो यहाँ पे हम H2SO4 ही ले रहे हैं लेकिन
क्या ले रहे हैं, कंसेंट्रेटेड एसिड, यानी कि पावर उसका ज्यादा हो गया, तो रिएक्शन होगी और रिएक्शन होके क्या बनेगा, तो CuSO4 बनेगा, साथ में आपको S SO2 सल्फर डाइऑक्साइड बनेगा और साथ में बनेगा, दिखाई दे रहा है कि नीचे कर दें इसको, दे रहा है सर दिखाई, सर दे रहा है, बनेगा आपको वाटर, ठीक है, ये रिएक्शन आप लोग नोट कर लोगे और फायदा क्या चीज है। कॉपर जो है डाइल्यूटेड, हाँ बोलो सर, कंसेंट्रेटेड और डाइल्यूटेड एक बार एक्सप्लेन कर दीजिए ना, कर देते हैं पहले, ये समझ लो उसके बाद कर देते हैं। कॉपर जो है या लेड जो है वो डाइल्यूटेड सल्फ्यूरिक एसिड या डाइल्यूटेड HCl के साथ रिएक्शन नहीं करता है, लेकिन कंसेंट्रेटेड के साथ रिएक्शन करता है और ये कंपाउंड बनाता है। अब डाइल्यूटेड और कंसेंट्रेटेड का मतलब हुआ कि जैसे हम लोग कोई भी एसिड यूज करते हैं, तो अगर 100% प्योर एसिड हुआ तो उसको बोलते हैं एब्सोल्यूट एसिड। एब्सोल्यूट एसिड हम लोग नहीं यूज करते हैं क्योंकि वो ज्यादा कोरोजिव होता है, तो उसको वाटर के साथ मिक्स करते हैं, तो वाटर के साथ जब मिक्स करते हैं तो या तो वाटर ज्यादा होगा या तो एसिड ज्यादा होगा या दोनों 50-50 होगा, 50-50 होगा तो भी उसको डाइल्यूटेड ही बोलेंगे। लेकिन अगर एसिड ज्यादा है और वाटर कम है तब वैसे मिक्सचर को बोलेंगे कंसेंट्रेटेड एसिड, और एसिड कम है और वाटर ज्यादा है तो डाइल्यूटेड बोलेंगे, इवन 50-50 होगा तब भी डाइल्यूटेड ही बोलेंगे, ठीक है, क्लियर हो गया। ये दोनों रिएक्शन अच्छे से याद रहना चाहिए, एग्जाम में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, आता है कभी कभी एग्जाम में। चलो अब आगे बढ़ते हम लोग, ये नहीं पढ़ना है तुम लोगों को, अभी इसको छोड़ देते हैं, अभी स्लाइड शेयरिंग से 8 का बुक का एक्सेल में मेरे पास ये नहीं है, पिक्चर खींचा हुआ नहीं है। अब हम लोग को पढ़ना है नोबल मेटल्स। नोबल मतलब क्या होता है, नोबल इंग्लिश वर्ड है, उसका हिंदी क्या होता है, नया नया नहीं, नया तो न्यू हो जाएगा ना, नोबल NOBLE सर, बहुत अच्छा जैसे क्वालिटी का, बहुत अच्छा, नहीं एक्चुअली नोबल तुम लोग डिक्शनरी लग रहा नहीं पढ़ते, महान होता है सर, महान क्वालिटी हाई हो, हाँ हाई क्वालिटी। नोबल को लिटरली आपको हिंदी जैसे मीनिंग ढूंढोगे तो उसमें होता है नेक, नेक मतलब बहुत अच्छा, है ना, बहुत अच्छा इस सेंस में कि जैसे हम लोग बोलेंगे कि हमारा लड़का जो है बहुत अच्छा है या ये स्टूडेंट बहुत अच्छा है, अब वो जो बच्चा है वो बहुत सारे लोगों के संपर्क में आएगा, नहीं अच्छे लोग भी उसके संपर्क में आएंगे, बुरे लोग भी संपर्क में आएंगे, तो वो अच्छी बातें भी सीख सकता है बुरी बातें भी सीख सकता है, तो उस बच्चे को अच्छा कहते हैं जो अच्छी बातें तो सीख ले लेकिन बुरे लोगों के संपर्क में आने से बुरी बातें नहीं सीखे, यानी कि उससे जो एडवर्स इफेक्ट होता है किसी चीज का, किसी सिचुएशन का या कंपेनियन का, वो नहीं होता हो। तो आपको मेटल में नोबल किसको कहेंगे, अब सपोज कि हम लोहा आयरन जो है, आयरन को नोबल बोलेंगे, no, छोड़ देंगे no, दो दिन बारिश में तो जंग लग जाएगा, साल भर छोड़ देंगे तो आधा हो जाएगा, साल में टूट टूट जाएगा, नहीं बोलेंगे। ऐसे मेटल को नोबल मेटल बोलते हैं जिसपे किसी चीज का रिएक्शन नहीं हो, ना आपको एयर का रिएक्शन हो, ना वाटर का कोई रिएक्शन हो, इवन एसिड का भी कोई रिएक्शन नहीं हो, बेस का भी कोई रिएक्शन नहीं हो रहा है, गोल्ड का भी रिएक्शन नहीं हो रहा है, गोल्ड, तो ऐसे मेटल को नोबल मेटल्स कहेंगे। तो आपको अगर डिफिनेशन आ गया एग्जाम में, हाँ बता रहे हैं, एग्जाम में डिफिनेशन आ गया तो क्या लिखेंगे, द मेटल्स विच डू नॉट रिएक्ट विथ ऑलमोस्ट एवरीथिंग इज कॉल्ड, आर कॉल्ड नोबल मेटल्स। नोबल वी हैव टू मेटल्स, गोल्ड एंड प्लैटिनम, विच आर कंसिडर्ड एज नोबल, गोल्ड एंड प्लैटिनम, ये दोनों लीस्ट रिएक्टिव है। आप रिएक्टिविटी सीरीज उठा के देखोगे बुक में तो उसमें सबसे नीचे में आपको गोल्ड और उसके नीचे प्लैटिनम मिलेगा, प्लैटिनम सबसे नीचे और उसके प्लैटिनम गोल्ड, तो गोल्ड और प्लैटिनम नोबल मेटल हो गया। अच्छा ये
बोलते हम लोग पढ़ाते हैं कि गोल्ड और प्लेटिनम जो है वो किसी के साथ रिएक्शन नहीं करते, लेकिन सोने की ठगी जानते हो लोग ना, सुने होंगे लोग कि गहना साफ करने को दिए पॉलिश कराने जाते हैं तो वजन कम हो गया। अब ये पॉलिश कराने का मतलब क्या होता है? देखो अभी तो थोड़ा शहरीकरण ज्यादा हो गया है, लोग जो है मोबाइल इंटरनेट और भी बहुत सारे सोशल मीडिया या न्यूज चैनल भी आजकल सब खबरी चैनल ही हो गया है, तो उसके थ्रू बहुत सारी जानकारियां मिल जाती हैं। लेकिन पहले भी है, अभी भी बहुत सारे गांवों देहात में भी वो फेरी वाले चलते हैं, गहना साफ करने वाले, पॉलिश करने वाले घर घर जाते हैं। अभी भी है सर? हाँ, तो वो जाते हैं और वो क्या करते हैं कि जैसे आप वो अपना सारा कीमती गहना लेके आए कि भाई इसको साफ कर दो, चमका दो, तो वो लोग दो केमिकल यूज करते हैं, दो डब्बे में दो केमिकल होता है, और उसको आपके सामने एक बाउल लेकर के शीशे का, और उसमें मिक्स करेंगे एक फिक्स अमाउंट में। फिक्स करने के बाद आपके गोल्ड या प्लेटिनम का जो भी गहना है, सिल्वर तो खैर उसकी कंपेरेटिवली सस्ता है, तो उसको डालेंगे उसमें, और डालने के बाद थोड़ी देर बाद वो चमकने लगेगा गहना, तो उसको निकाल के बोलेंगे कि कपड़ा लाइए, साफ सुथरा कपड़ा, लाल कपड़ा लाइए, लाल हम लोग का शुभ माना जाता है, और गहने वहने बहुत सारे लोग रेड कपड़े में लपेट के पूजा के पास रखते हैं या लॉकर में रखते हैं, तो लाल कपड़ा है कोई भी कपड़ा, उजला कपड़ा लेके आए उसमें पूरा अच्छा से पोंछ पछ के लपेट देगा, बोलेगा कि इसको खोलिए मत, इसको चार घंटे बाद खोलिएगा नहीं तो काला हो जाएगा। अब वो जो गृहिणियां है देहात की जो उतनी एक्टिव नहीं है, उनको जानकारी नहीं है साइंस की उतनी, तो बेचारी अपना जी ले जा करके उसको लपेटे हुए रख देंगी, और चार घंटे में वो कई गांव पार करके बहुत दूर चला जाएगा जो गहना साफ किया, और चार घंटे पांच घंटे बाद जब वो खोलेंगी तो उनको अपना कंगन चेन सब थोड़ा हल्का हल्का लगने लगेगा, तो एक वो फिर सोना या प्लेटिनम जो है वो गया कहाँ, तो वो चीटिंग हुआ, धोखेगाड़ी हुआ। अब धोखेगाड़ी कैसे हुआ तो आपको एक नाम बताते हैं, इसको बोलते हैं रॉयल वाटर, रॉयल वाटर, और केमिकली इसको बोलते हैं एक्वा रेजिया। तो वो जो ठग है वो क्या करता है कि आपको 3 volume HCl का कंसेंट्रेटेड, 3 volume HCl कैसा लिया, कंसेंट्रेटेड, और साथ मिलाया 1 volume HNO3 का, वो भी कंसेंट्रेटेड, और ये इसका कंडीशन क्या है कि फ्रेशली प्रिपेयर्ड होना चाहिए, इसलिए वो आपके सामने ही मिलाएगा, ठीक है, और मिलाने के बाद जो मिक्सचर बनेगा उसमें आपको गोल्ड या प्लेटिनम रिएक्ट करेगा। अगर सिंपली हम लोग HCl से या HNO3 से रिएक्शन कराएं उसका, इवन कंसेंट्रेटेड के साथ भी, तो रिएक्शन नहीं होगा, लेकिन अगर ये मिक्सचर बना देते हैं और उसके बाद उसको गोल्ड और सिल्वर प्लेटिनम के साथ रिएक्शन कराते हैं या सिल्वर के साथ भी, तो रिएक्शन होगा, और आपके गहने जो है उसके ऊपर का लेयर जितना देर तक वो छोड़ेगा ना, उतना देर तक ऊपर का लेयर उसका डिजोल्व हो करके, डिजोल्व नहीं होता एक्चुअली, उस पर से हट जाएगा और वो नीचे उसके कटोरे में बाउल में बैठता जाएगा, और उसके बाद वो आपका ले जा करके कहीं सुनसान जगह पे अपना छान उनके सोना और प्लेटिनम या चांदी जो है वो निकाल लेगा। इस तरह से वो ठगी होता है केमिकल्स को यूज करके, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि गोल्ड और प्लेटिनम जो है बिल्कुल ही रिएक्शन नहीं करते, रिएक्शन तो करते हैं लेकिन मिक्सचर के साथ, एक्वारेजिया के साथ करते हैं, अलग अलग एसिड के साथ रिएक्शन नहीं करते। रॉयली वाटर को ना कहते हैं? हाँ, रॉयल वाटर या एक्वारेजिया। अब आते हैं कि चूंकि जब ये महंगा होता है सोना हो या प्लेटिनम हो, गोल्ड तो महंगा होता है, प्लेटिनम उससे भी ज्यादा महंगा होता है, सबसे ज्यादा प्रेशियस मेटल ऑर्नामेंट्स बनाने वाले में प्लेटिनम ही होता है, तो अगर वो इतना महंगा है तो उसकी प्योरिटी भी बहुत मायने रखती है। अब गोल्ड जो है इतना सॉफ्ट होता है, ओरिजिनल गोल्ड जो है वो 24 कैरेट बोलते हैं, तो इतना सॉफ्ट होता है कि उससे गहने नहीं बनाए जा सकते। अगर गहने बनाते हैं उसमें कॉपर मिला के, हाँ बोल रहे हैं, तो उसमें अगर डायरेक्ट 24 कैरेट गोल्ड के गहने बना दें, तो जैसे सुनते हो ना कि चेन कोई छीन के भाग गया तो गले में निशान आ गया, गला छिल गया, कान छिल गया,
वो छीनने की उसको जरूरत नहीं पड़ेगा, वो हल्का सा पकड़ेगा और हल्का सा खींचेगा तो आपको कोई निशान नहीं आएगा, ऐसे ही उतर के चला जाएगा क्योंकि वो बहुत सॉफ्ट रहता है। उसको थोड़ा हार्ड बनाने के लिए उसमें या तो कॉपर या फिर सिल्वर मिलाया जाता है, गोल्ड में या तो गोल्ड कॉपर मिलाया जाएगा या फिर सिल्वर, दोनों मिलाया जाता है। सिल्वर अगर सिल्वर मिलाएंगे तो जो गोल्ड है वो थोड़ा येलोइश दिखेगा, अब तो छोटा इसमें दिख नहीं रहा होगा, जैसे ये सिल्वर मिलाया हुआ है आपका गोल्ड। और अगर इसमें थोड़ा कॉपर मिलाते हैं सिल्वर की जगह पे, गोल्ड और कॉपर का मिक्सचर होगा तो वो भी गोल्ड ही है लेकिन वो थोड़ा रेडिश गोल्ड दिखेगा, मतलब वो थोड़ा ब्राउनिश इफेक्ट आएगा उसमें, ब्राउनिश ना दिखेगा कि रेडिश। हाँ वही ब्राउनिश रेडिश एकदम थोड़े दिखेगा। तो उस इसकी प्यूरिटी को मेजर करने के लिए एक यूनिट यूज किया जाता है जिसको बोलते हैं कैरेट, KARAT और CARAT दोनों चलता है। तो वो कैरेट बताता है कि गोल्ड कितना परसेंट प्योर है, तो 24 कैरेट यानी 100%। अब आते हैं 18 कैरेट तो 75%। कैसे 18 कैरेट 75% होगा वो भी बता देते हैं, कैसे हम लोग परसेंटेज निकालेंगे। 18 by 24 into 100। वेरी गुड। दुकान पे गए वो बोला कि 92.3 है, तो कैसे निकलेगा 22 कैरेट का गोल्ड अगर दे रहा था, 22 into 100 by 24 क्योंकि 24 100% होता है, तो ये आप सॉल्व करोगे तो 91.3 के करीब आता है। एक बार हम सॉल्व करके 75% कहाँ से बिना देखे समझे बोल रहा है, 18 कैरेट होता था 75%। वही जो आपको मार्केट में आप देखोगे कि 91.7 लिखा रहता है गहनों पे, 91.7 लिखे रहेगा या 75 लिखा रहेगा, तो जैसे 91.7 लिखा है मतलब कि 22 कैरेट गोल्ड है, अगर आपको 75 लिखा है यानी कि वो 18 कैरेट गोल्ड है ना। सर जितना लिखा रहता है उससे 100/24 मल्टीप्लाई कर देते हैं। हाँ, अब देखो उसमें जो है अब चीटिंग बहुत होती है, जैसे लोकल गोल्ड आप खरीदने जाते हैं तो जो ज्वेलर्स दुकान वाले हैं, तो अब मान लो कि 24 कैरेट गोल्ड का तो इंटरनेशनल मार्केट में उसका प्राइस फिक्स है, वो हम खरीदे चाहे वो दुकान वाले खरीदे उनको उसी प्राइस पे मिलेगा, ऐसा थोड़ा कि उनको कम दाम में मिल जाएगा हमको ज्यादा महंगा मिल जाएगा। अब वो ले आए उसमें मेकिंग चार्ज जोड़ दिए, मेकिंग चार्ज जोड़ के थोड़ा बहुत ज्यादा होगा, लेकिन लोग का देखोगे इतना हाई फाई स्टैंडर्ड रहता है तो सब मेंटेन कहाँ से होगा। तो लोकल गोल्ड में क्या करते हैं बहुत सारे, सारे लोग का हम नाम नहीं लेंगे कि सब लोग ऐसे ही करते होंगे, लेकिन बहुत सारे लोग क्या करते हैं लोकल गोल्ड में मिलावट करते हैं, जहां मिलाना है जैसे 18 पार्ट अगर कॉपर इसे गोल्ड लिए तो 6 पार्ट कॉपर मिलाना होगा या सिल्वर मिलाना होगा, तो वहां पे आपको पता चलेगा कि 18 कैरेट नहीं गोल्ड होकर के वो 14 कैरेट गोल्ड है, इवन 12 कैरेट भी गोल्ड किसी दुकान पे मिलेगा। तो ये जो बेईमानी धोखाधड़ी बढ़ने लगी बहुत ज्यादा, तो गवर्नमेंट ने एक संस्था बनाई गोल्ड प्यूरिफिकेशन ब्यूरो करके, BIS बोलते हैं, ब्यूरो ऑफ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड करके, और वो जो है गोल्ड की प्योरिटी को वेरीफाई करता है कि कितना परसेंट प्योर गोल्ड है इसमें, तो उसको बोलते हैं हॉलमार्किंग। आजकल मार्केट में हॉलमार्क गोल्ड का बहुत ज्यादा प्रचलन है, अब हॉलमार्क खरीदने गए दुकान वाला बोला कि हाँ जी ये हॉलमार्क है 22 कैरेट है 18 कैरेट है मान लिए आप लेके चले आए, और उसमें भी चीटिंग हो रही है। तो आपको जैसे आप साइंस के स्टूडेंट हो तो आप भी अवेयर हो जाओ और अपने घर वालों को भी अवेयर करो कि जब आप गहना खरीदने जाते हैं और अगर हॉलमार्क है तो यहाँ नीचे में गहने के अंदर में उस पे आपका लिखा रहेगा, ट्रायंगुलर शेप का फिगर बना रहेगा जिसपे BIS लिखा होता है और कितना परसेंट गोल्ड है वो लिखा रहता है, 91.7 होगा या 75.0 होगा या इस तरह से कुछ भी जो जितने कैरेट का है उतना लिखा रहेगा। आपको नेकेड आई से हो सकता है कि साफ साफ नहीं दिखे, तो हर ज्वेलर के पास अगर स्टैंडर्ड शॉप वाला है तो मैग्नीफाइंग ग्लास होता है, आप उससे मैग्नीफाइंग ग्लास मांगो और या अपने पेरेंट्स को बोलो कि मांगे और उसको चेक करना चाहिए कि वो जो बोल रहा है वो सही है कि नहीं है, इसमें भी चीटिंग कर रहा है, तो आप गोल्ड और प्लेटिनम के धोखाधड़ी से बच सकते हैं, नहीं तो दुनिया में लूटने वाले तो बहुत सारे हैं।
चलो तो यहाँ तक मैं क्लियर हो गया। अच्छा आपको डायमंड हो, गोल्ड हो, प्लेटिनम हो, ये सारे कैरेट्स में इनकी प्योरिटी मेजर होती है। परसेंटेज भी कैसे निकालना है वो बता दिए। अब आते हैं यूज ऑफ मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलाइड। मेटल्स के क्या यूज है? सर हम लोग का बुक में नहीं ना दिया, परसेंटेज निकालने का ना दिया हुआ है। मेटल्स के क्या यूज है? दिया है। मेटल्स के सर क्या यूज है? सबसे अधिक यूज होने वाला मेटल कौन सा है मालूम है? आयरन एंड एल्युमिनियम। ये दो मेटल जो हैं ये सबसे, आयरन तो आपके जितने भी हेवी कंस्ट्रक्शन हैं, ब्रिज हो, इवन आपका घर है, आपको बड़े बड़े फैक्ट्रीज के जो बेस बनते हैं, ये सारे आयरन रड्स, आयरन गार्टर्स इसमें यूज होते हैं। इसके अलावा जितने टूल्स बनते हैं उसमें भी मोस्टली आयरन या स्टील, स्टील भी आयरन का एक मिक्सचर है, एलॉय है, वो यूज होता है। फिर आप एल्युमिनियम सर मैलिएबल के फॉर्म में भी यूज होता है। हाँ एल्युमिनियम मैलिएबल भी है और लाइट वेट भी है। अब एरोप्लेन का अगर बॉडी को हम लोग आयरन का बना दें तो उड़ेगा ही नहीं, उड़ेगा। इसलिए वो एल्युमिनियम का बनाया जाता है। एल्युमिनियम का भी जो एलॉय होता है, अभी एलॉय हम लोग पढ़ेंगे, ड्यूरेल्यूमिन का बनता है। एल्युमिनियम के यूज हम लोग का कुकिंग वेसल्स बनाने में है, ऑटोमोबाइल्स यानी कि जो गाड़ियां हैं उसके बॉडी पार्ट्स बनाने में है, इन्सुलेशन वायर्स, वायर्स बनाने में, एल्युमिनियम फाइल्स बनाने में, पैकेजिंग मटेरियल्स जितने हैं, जैसे आप जो कुरकुरे लेज ये सब खाते हो तो उसका जो रैपर होता है वो भी एल्युमिनियम फाइल का ही बना हुआ है, उसके ऊपर सिर्फ पेंटिंग किया हुआ, एनोडाइजिंग किया हुआ है। हम लोग के घर पे जो प्रेशर कुकर दिख रहा है वो भी एल्युमिनियम का बना हुआ है। सर एल्युमिनियम फॉइल जलता क्यों नहीं है? मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ये सब चीज होता है ना, तो उसका हाई होता है, मेटल है ना। अब उसके बाद आते हैं कॉपर। अगर कॉपर नहीं हो तो इलेक्ट्रिसिटी का जो कंडक्टेंस है वो लगभग खत्म, क्योंकि मान लो कॉपर की जगह आप एल्युमिनियम वायर यूज करते हो तो एल्युमिनियम का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो कॉपर की तुलना में कम होता है। तो अगर कहीं शॉर्ट सर्किट हुआ तो वो वायर जो है वो हीट करेगा, रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो हीट एनर्जी में कन्वर्ट होगा, और हीट बढ़ने से वो एल्युमिनियम का वायर मेल्ट कर सकता है। तो आपका ऊपर से जो पीवीसी यानी प्लास्टिक का जो कोटिंग है वो बिल्कुल सही जाएगा और अंदर अंदर वायर जो है वो गल गया, तो आपके घर पे बिजली नहीं आएगी और आप परेशान रहेंगे कहाँ से खराब हुआ है। तो इसलिए एल्युमिनियम वायर को जनरली यूज नहीं किया जाता है, वही सही जगह पे यूज किया जाता है जहाँ पे लोग सक्षम है कॉपर वायर यूज करने, सक्षम नहीं है कॉपर वायर यूज करने, क्योंकि कॉपर महंगा होता है। तो कॉपर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के लिए सबसे ज्यादा यूज होता है। आपके जितने भी स्विच हैं अगर अच्छे क्वालिटी के हैं तो उसके जो पोल्स हैं वो सारे कॉपर के बने होते हैं, या कॉपर के एलॉय होता है एक ब्रास यानी पीतल, उसके बने होते हैं। उसके बाद आपको कॉपर के वेसल्स यानी बर्तन भी बनते हैं, स्टैचूज भी बनते हैं, जैसे बहुत सारे लोग बोलते हैं कॉपर का जग में रखा हुआ पानी रात को रख दिया, सुबह में उसको पी दिया, आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, इम्यून सिस्टम है, वो सब ठीक रहेगा। और सर सफेद दाग भी जो होता है वो भी जाता है ना। हाँ तो ये कॉपर के यूज हो गए। उसके बाद आते हैं और भी बहुत सारे मेटल्स हैं, जैसे गोल्ड, प्लेटिनम, सिल्वर, ऑर्नामेंट्स बनाने में यूज हो गए। एक बार आपको बताया होंगे कि HDMI केबल जो होता है, जो आजकल HDTV में यूज होता है HD कनेक्शन के लिए, HDMI केबल में भी सिल्वर और गोल्ड यूज होता है। अब आते हैं नॉन मेटल में। हाँ नॉन मेटल में आते हैं, तो नॉन मेटल में आपको सबसे अधिक यूज होने वाला नॉन मेटल है ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। नहीं हो तो ऑक्सीजन नाइट्रोजन, नहीं नाइट्रोजन का उतना यूज नहीं बता रहे हैं, ऑक्सीजन आपको सबसे जरूरी है। फिर हाइड्रोजन के साथ मिलकर ऑक्सीजन वाटर बनाता है, और वाटर भी सबसे ज्यादा जरूरी है तो हाइड्रोजन भी बहुत यूज का है। और नेक्स्ट आता है कार्बन। अगर कार्बन नहीं हो तो हमारी बॉडी ही नहीं बनेगी, कोई भी न्यूट्रिएंट नहीं बनेगा, तो इसलिए कार्बन भी बहुत इम्पोर्टेंट है। उसी तरह से आपको हीलियम, आर्गन, कार्बन कौन सा कलर का रहता है? कार्बन ब्लैक कलर का रहता है। तो ये सारे जो नॉन मेटल्स हैं ये भी यूज के हैं, सल्फर, फॉस्फोरस, बारूद बनता है उनसे, तो ये सब नहीं होंगे तो वो भी काम नहीं होगा। तो मेटल भी यूजफुल है और नॉन मेटल भी यूजफुल है। अब आता है मेटलाइड। मेटलाइड यूजफुल है या नहीं है,
जैसे सिलिकन है, जर्मेनियम है, आर्सेनिक है, टेलोरियम है, ये सारे जो एंटीमनी है, ये जो मेटलाइड है यानी कि जिनमें थोड़ा सा पार्ट वाइब्रेनियम होता है, वाइब्रेनियम नहीं, वो सब इंफिनिटी वार में वाइब्रेनियम हम बात करें मेटलाइड की, तो मेटलाइड में कुछ प्रॉपर्टी मेटल्स के होते हैं और कुछ नॉन मेटल के, वो यूजफुल है या नहीं? सर सिलिकॉन और जर्मेनियम जैसा सर मेटलॉइड सर सेमीकंडक्टर बनने में सर यूज होता है सर। वेरी गुड। और ये सेमीकंडक्टर होता क्या है? नहीं पता, चलो बताते हैं। अब सपोज कि हमारा अभी लैपटॉप जैसे यूज कर रहे हैं या आप मोबाइल यूज कर रहे हो, तो आपके घर पे जो इलेक्ट्रिसिटी आती है वो कितने वोल्ट पोटेंशियल की आती है ना? जनरल जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हम लोग के डोमेस्टिक है सप्लाई का, उसका पोटेंशियल होता है 220 वोल्ट। और हमारा मोबाइल हो, मोबाइल जो है वो उसका जो चार्जर होता है वो 4.5 वोल्ट देता है, 4.5 वोल्ट वो आपका मोबाइल का बैटरी चार्ज होता है। उसे हमारा जो लैपटॉप है उसका 12 वोल्ट पे चार्ज होता है, 9 वोल्ट पे चार्ज होता है। तो 220 वोल्ट को अगर पूरा का पूरा कंडक्ट करा दें लोहे के तार से या एल्युमिनियम के तार से या कॉपर के तार से या सोना चांदी किसी के भी तार से करा दें, तो हमारा लैपटॉप चलेगा या कि बंद हो जाएगा? खराब हो जाएगा। और बहुत सारे कंडीशन ऐसे आते हैं जहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट को फुल्ली ना तो कंडक्ट करने की जरूरत होती है या नहीं फुल्ली रोकने की। अगर फुल्ली रोक दी तो काम ही नहीं करेगा, फुल्ली कंडक्ट कर दिए तो ऐसे ही खराब हो जाएगा। तो पार्शियली कंडक्टेंस की जरूरत होती है। पार्शियली कंडक्टेंस के लिए बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बनाए गए हैं, जैसे ट्रांजिस्टर नाम बोलते हैं, कैपेसिटर बोलते हैं, रेजिस्टेंस बोलते हैं, रेजिस्टर। तो ये सारे जो हैं वो आपके करंट को कुछ रोकते हैं और कुछ पार्ट को जाने देते हैं। दीज आर कॉल्ड सेमी कंडक्टर। तो सेमी कंडक्टर्स बनाने में आपको मेटलाइड जैसे अभी बताई श्रेया की सिलिकन और जर्मेनियम का यूज होता है, बहुत धड़ल्ले से होता है। तो आपको एक और यूज बताते हैं। जैसे आप कंप्यूटर पढ़ते होगे तो जनरेशन पढ़े होगे कंप्यूटर का, फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर, सेकंड जनरेशन कंप्यूटर, थर्ड जनरेशन कंप्यूटर, अब फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर आ गया। यस सर। फर्स्ट जनरेशन में आपको याद होगा वैक्यूम ट्यूब्स यूज होते थे, सेकंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर यूज होने लगे। यस सर। और साइज धीरे धीरे घटते जा रहा है। फर्स्ट जनरेशन में पूरे रूम के साइज का एक कंप्यूटर होता था, सेकंड जनरेशन में हाफ रूम का साइज हो गया, और थर्ड जनरेशन में आते आते कंप्यूटर हमारा लैपटॉप और डेस्कटॉप का सेप छोटा हो गया और छोटा हो गया। क्यों छोटा हो गया? क्योंकि थर्ड जनरेशन में एक नया रिवोल्यूशनरी डिवाइस यूज हुआ जिसका बोलते हैं शॉर्ट में नेम IC, कैपिटल आई एंड कैपिटल सी, इंटीग्रेटेड सर्किट। अब ये साई, हाँ, IC का फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड सर्किट, यानी कि पूरा जो आपका बहुत बड़ा जो सर्किट डायग्राम जो होता था, बहुत सारा मदरबोर्ड उसमें लगता था, उसकी जगह पे एक छोटा सा, इतना छोटा छोटा टैबलेट की तरह जिसमें 4-5 टांग 8-10 टांग निकले होते हैं लेग पोल्स, उसको यूज करते हैं, वो कहलाता है IC। हम लोग के जैसे अगर पुराने जमाने के किसी के घर पे कॉल बेल लगा है तो उस पर जाके कॉल बेल बजाओगे तो वही करकस आवाज आएगी, क्र नहीं, बिजली से चलने वाला बेल। लेकिन आजकल जो घर पे लोग बेल लगा रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक बेल, अब उसमें क्या है, जाओगे कभी ओम जय जगदीश हरे सुनाएगा, तो किसी का चॉइस है तो धूम मचा ले धूम भी सुनाएगा। तो अलग अलग जितनी बार दबाएंगे उतनी बार अलग अलग वो रिंग टोन आएगा, उसका म्यूजिक आएगा। तो बच्चों का जो खिलौना मिलता है 15 रुपए का मोबाइल, उसमें भी अलग अलग बटन दबाओगे तो अलग अलग गाना सुनाएगा। ये सारा जो चेंज आया वो किसके चलते आया? वो IC के चलते आया। और वो IC जो है वो बनता है सिलिकन से। और सिलिकन पता है कहाँ से मिलता है? सिलिकन का मेन सोर्स पता है क्या है? बालू, सैंड, सिलिकन डाइऑक्साइड। बालू सर, बालू, सैंड से आपका इतना कीमती कीमती चीज बन रहा है। और इसीलिए इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के प्राइस पहले से सस्ते भी हो गए और एफिशिएंसी भी बढ़ गई। तो मेटलाइड का भी अपने यूज है, मेटल का भी यूज है और नॉन मेटल का भी यूज है। अब टाइम आज का समाप्त होने वाला है, कल हम लोग पढ़ेंगे लास्ट टॉपिक, वो है एलॉयज। कल उसका पेज का फोटो खींच के भी रखेंगे, ठीक है?
यस सर नो सर ओके सर खत्म करते हैं अभी रिकॉर्डिंग भेज दीजिएगा ग्रुप पे।